मेरे वाटर कोर्स पर एसएचओ करीम बख्श थाना के रजा मोहम्मद कोसा जो के रिहायशी लाची एसएचओ के खिलाफ आईजी सिंध डीआईजी लकाना एसपी जैकबाबाद पर जोर अपील करते हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, कोई और किसी मजलूम पर जुल्म ना कर सके। एसएचओ रजा मोहम्मद जुल्फिकार खुद से भारी रकम लेकर पुलिस वालों के साथ सिविल कपड़ों में ट्रैक्टर लेकर मेरे क्वार्टर कोर्स में जबरदस्ती मट्टी से भर दिया। हम आईजी सिंध और डीआईजी लाड़काना से वजीर आला मुराद अली शाह से और चीफ ऑफ आर्मी से वजीर आजम इमरान खान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अपनी ज़मीन, जो कि हमारे पास ज़मीन का खाता भी है, आए रोज़ जुल्फिकार अली खोसा और जुल्फिकार अली खोसा हमें धमकियां देते हैं, जबकि जफर अली भी धमकियाँ देते हैं, तुम अपनी ज़मीन हमारे हवाले करके चले जाओ। ये एसएचओ रजा मोहम्मद खोसा ने धमकी दी, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, हम मनहत्ते कीपर भी ना माना, हमने कुरान मजीद का वास्ता दिया फिर भी ना माना, ये इतना अदा हो गया, चंद रुपयों की खातिर उसने कुरान मजीद को भी नहीं पहचाना, अपना ईमान बेच डाला। मुझे धमकी दी, तुझे फुल फ्राई हाफ फ्राई करूँगा, तुम अपने वाटर वर्कर से नहीं करोगे तो तुम हाफ फ्राई करूँगा, जो कि मेरा वाटर कोर्स 800 एकड़ पर मुश्तमिल है। मेरे काश्तकारों को धमकी दी, इसकी ज़मीन आबाद की, मैं तुम लोगों को हाफ फ्राई करूँगा। हम पुरजोर अपील करते हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह से, आईजी सिंध से, डीआईजी लकाना से और एसपी जकबाबाद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करें, जो सारा ज़मीन का खाता हमारे नाम पर है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए।